वो अब तो काहे क्यों मुझे क्या पता, उन्होंने कहा 10 मिनट में आएंगे, टाइम चेंज ही नहीं है। थोड़ा पड़ोसियों पर भी ध्यान दिया करो। वाओ, इतनी सारी साड़ियाँ, कोई ओकेजन है क्या? ओकेजन पर तो हर बेवकूफ खरीदता है, जस्ट ऐसे ही तनख्वाह मिली थी इसीलिए खरीद लिया। आपने कभी सैलरी से मेरे लिए साड़ी खरीदी? वो एक्टिंग कर रहा है। हेलो, पत्नियां हैं, थोड़ी सेवा करो। चलो डार्लिंग। कूल। सॉरी ब्रो, ट्रैफिक की वजह से लेट। चलिए। अच्छा सुनो माँ और हनी, शादी की शॉपिंग है तो आराम से करना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, आराम से शॉपिंग करो। देखो सबको मैनेज कर रहा है मेरा यार, वाह वाह वाह। दो दुश्मनों को बार में ले जाकर दोस्त बना सकते हैं, लेकिन साड़ी की दुकान में दो औरतें। अच्छा, ज्यादा देर नहीं टिकेगा बेटा, देखो देखते हैं। किस रेंज में दिखाऊं मैडम? आंटी के लिए है ना, थोड़ा हाई रेंज में दिखाइए। सही है। ये देखिए मैडम। अच्छा, ये कलर देखिए, ये तो बहुत अच्छी है, है ना? ये ले लेते हैं। दूसरी दिखाओ, ये वाली। ये लेटेस्ट है, ये बहुत अच्छी है। ग्रीन कलर आप पर बिल्कुल सूट नहीं करेगा। और दिखाओ, और दिखाओ। ये मुझे पसंद नहीं है। Oh my God, ये बहुत अच्छी है सासु माँ। This is beautiful आंटी। ये? लेकिन ये आपके रेंज की नहीं मैडम, ये तो बहुत ही सस्ती है। रेट में क्या रखा है, इनके कलर को ये साड़ी बहुत सूट करेगी। ये क्या है बेटा, एक तो कम दाम की साड़ी लिए, ऊपर से मेरे कलर की बात कर रहे हैं। चुपचाप क्यों बैठे हो तुम? माँ चुप, मैं बात करता हूँ। देखा देखा, that is just the beginning, आगे देखो। अच्छा आंटी, माँ की साड़ी का रेट थोड़ा कम लग रहा है। ऐसी साड़ियाँ बार बार थोड़ी ही पहनते हैं, एक बार पहन कर अलमारी में रख देते हैं ना। सुनिए, इसे पैक कर दीजिए आंटी, अब हमारे लिए आपको ही चूज करना होगा। पानीपत युद्ध के बारे में सुना है? नहीं सर। अब कांजीवरम युद्ध देखो। अब किस रेंज में साड़ी दिखाऊं मैडम? इन्होंने जिस रेंज में बताई थी उसी रेंज में दिखाओ। हाँ दिखाओ। ये देखिए मैडम। अच्छी है ना? ये कलर बकवास है। ये बहुत अच्छी है। ये पल्लू तो इसका कलर ओल्ड फैशन है। हाँ ये वाली। इस डिजाइन की साड़ी तो हमारे पास है। जब तक उन्हें पसंद नहीं आएगा यही चलेगा। ये साड़ी तो सुपर्ब है। अब ऑर्डर हो या ऑर्डर हो मुझे क्या पता, मुझे तो ये बहुत पसंद आई। अब देखा तूने, दैट इज माय फैमिली। बहू है ना, जाने दो। क्या है ये, मुझे इतनी सस्ती वाली साड़ी और तेरी साली और सास को इतनी महंगी? अगर अब कुछ नहीं बोलेगा तो तेरे सिर पे चढ़ के बैठेगी ये, नहीं बोलेगा तो लड़की हाथ से निकल जाएगी। जा, मैं बात करता हूँ। अभी तो गुस्से में है, देखना ठंडा होकर ही आएगा। हाँ बिल्कुल। व्हाट अ टाइमिंग ससुर जी हैं। कितनी अच्छी है। ये क्या दी, दूल्हन तो ठीक है, आप इतनी महंगी साड़ी लेंगे तो थोड़ी चलेगा, माँ को अच्छा नहीं लगेगा। व्हाट इज दिस वरुण, तुम हमेशा अपना क्रेडिट कार्ड मेरे पास रखते थे, तुम्हारी माँ ने ट्रेनिंग दी है ना, तुम बदल गए। हमें साड़ियों की कमी नहीं है वरुण, ये तो ये इतने प्यार से कह रही थी इसलिए मैं ले रही हूँ, वरना कभी कभी नहीं पहनी जाती है ये, हमेशा पहनी जाती है ना। साड़ी के लिए इतना चीप, आई कांट, मेरे तो भाग ही फूट गए हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, आपको जो पसंद है लीजिए। व्हाट डिड आई से, व्हाट डिड आई से। मम्मी, शादी में खर्चा हो ही रहा है तो शांत रहना चाहिए, बीबी आ गई ना तो बदल गया है। आप क्या कर रहे हैं जी, सीरियल के गप्पे लड़ा रहे हैं, चलिए। माँ ऊपर आइए ना। ए, मैं नहीं आऊंगी, तेरी सास की इतनी सारी बातें मुझसे नहीं सुनी जाएगी, तू ऊपर जा, मैं बिल चुका दूंगी, जा तू। गो। वो नहीं आ रही है, आप देख लीजिए। गलत है ना वरुण, सब सोचेंगे हम तुम्हें अपनी मुट्ठी में रखना चाहते हैं। पतियों को मुट्ठी में रखना हमारे खानदान का रिवाज नहीं है। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। माँ चलो ना। जा तू, मैं जाऊंगी तो भी उनकी पसंद का ही लेंगे। अरे नहीं, आइए तो सही, एक बार ऊपर तो चलिए माँ। आइए आंटी, हमें दो सेट्स पसंद आए हैं, आपको जो पसंद है सिलेक्ट कीजिए। मुझे तो ये वाला अच्छा लग रहा है। मुझे डायमंड्स बहुत पसंद है ना। मैंने कहा था ना, ये अपनी पसंद के लेंगे। अरे मामा, रुको रुको, मैं जा रही हूं। ये क्या है, माँ को पसंद है कि वही लेंगे, अब जो कहा था वही कीजिए, चलिए वही पैक कर दीजिए। आप लोग कॉम्प्रोमाइज क्यों कर रही हैं, डायमंड सेट भी अच्छा है ना, डायमंड्स पैक कर दीजिए। डायमंड अच्छे हैं, प्लैटिनम अच्छा है, वैसे तो हमारे जा रहे ना, तुझे क्या डायमंड्स दिखाएगा, बीच में बोलता है। बोले कोबरा, जरा चेहरा दिखा, आ दिखा। अरे नहीं, हाँ तुम्हारे चेहरे पर ये जो है वो फ्रस्ट्रेशन ही है ना, फ्रस्ट्रेशन। अब तुम्हारी परेशानी क्या है ब्रो? मेरी शादी से पहले लव नहीं था, 6 महीने का टाइम था, पर तुम्हारा ऊपर से बोनस में एक फैमिली, जल्दी तुम्हारी लाइफ से 3 F मिसिंग, फ्रेंड्स फैमिली फ्रीडम, सिर्फ एक ही F बचेगा, फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, ये फ्रस्ट्रेशन। हेलो,
क्या बात है, सुबह सुबह आए हैं? मेरी बहन की शादी है, आप जैसे महान लोगों को आना ही होगा। ये लीजिए। क्या सिर्फ कार्ड है, गिफ्ट नहीं है? क्या बात कर रहे हो, गिफ्ट के बिना कैसे आएंगे? ये लीजिए, तुम्हारी दूसरी बीवी और दूसरा बेटा। जब तब हमारे घर आकर मेरी बीवी आइसक्रीम फॉलो करने को कहा था ना, फॉलो कर लिया। इतना फॉलो करोगे ये नहीं सोचा था मैंने। जाओ जाओ डैडी को हेलो बोलो। अरे पति के गले नहीं मिलोगी? क्या फैमिली है। ओ सेम ड्रेस कहाँ से खरीदी? ओ सेम शॉप। अब बोलो दीदी, बोलो ना, बोलो इनको। अब शुरू होगा तेरा फ्रस्ट्रेशन। चीयर्स। अरे कोबरा ऐसे क्यों कह रहा था? फ्रेंड्स कट हो जाएंगे। तुम्हारा चड्डी बड्डी है यार, कैसे कट होगा? हनी का फोन यार। मैं नहीं उठाऊंगा। उठा ले यार, प्लीज यार। बिल्कुल नहीं उठाऊंगा। दोबारा फोन कर रही है। रहने दे। क्या हुआ? वो खुद ही प्रकट हो गई है। अरे सुनो, मैं इस गधे के साथ बैठकर पी रहे हो और हनी का फोन काट रहे हो। तुम बदल गए हो वरुण। ये किधर? अरे हनी बेटा, मैं तुम्हारा फोन उठा ही रहा था, ये गधा मुझे दे ही रहा था। ये कहाँ गया? प्यार हो या शादी, बलि दोस्त की चढ़ती है। हनी इज द बेस्ट। ए, मैंने कहा था ना, फ्रेंड जाएगा, फर्स्ट स्टेप गॉन। तुम जो बोले सब सच है। देखो मेरे बेटे ने मेरे ही नाम पे रखा है। ये क्या? मेरा नाम हटा के उसका लगा दिया? मेरी बात सुन, आप आगे नहीं। लेकिन यही कर लेगी, ले ले। तो आते ही कब्जा जमा। अरे अरे, मैंने तुझे पहले ही कहा था, ये लड़की हमें बर्बाद कर देगी। हेलो कोबरा, मैंने कहा था ना, दूसरा एफ कट, फैमिली कट, वेट फॉर थर्ड एफ। कहा था? फ्रीडम गॉन, ऑल गॉन। आज मैं होश में नहीं हूँ, दीवानी हो गई हूँ, मस्तानी हो के तेरे प्यार में दीवानी हो गई हूँ। टिंग डिंग 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 डिंग। ये अचानक तुझे क्या हो गया? ये मिर्गी काटा है क्या सर? तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे तुझे कोई बड़ा अवार्ड मिल गया हो। आज मेरी शादी। चुप कर, चुप कर, बैठ जा, बैठ जा। तुम्हारी आवाज, तुम्हारे कप और तुम्हारा संगीत। तो हुआ क्या जाने अदरक का स्वाद। कौवे का नाम मत लो, कौवा बुरा मान जाएगा। चील का नाम लो, गिद्ध का नाम लो, गीदड़, ये सब सूट होते हैं तुम पर। जब दूल्हा कुछ नहीं बोल रहा है तो आपको क्या प्रॉब्लम है? मुझे नेशनल्स में भी लेके जाएगा, है ना वरुण? हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। ये भी हो गया। इसे क्या हो गया? शादी से पहले ही उसकी बातें मानने लगा। माँ की तो तुझे याद ही नहीं आती ना। तुम बदल गए हो वरुण, वेडिंग कार्ड सिलेक्शन के लिए मुझे नहीं अपनी माँ को लेके गए, तुम बदल गए हो। बीवी के आते ही माँ को भूल गया तू, हमेशा उस लड़की के साथ फोन पे बातें करते रहता है। अब मेरा शादी के बाद शिफ्ट हो जाएंगे, तुम्हारी माँ के साथ नहीं रहूंगी। तू कुछ भी कर ले, तुम बदल गए हो वरुण। मारते हमें, मारते। यार ऐसे कैसे पी रहा है तू, जैसे दारू बंद होने वाली हो। बीवी को कैसे कंट्रोल करते हैं ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। अबे व्हाट अ परफॉर्मेंस ब्रो, वाह वाह, व्हाट एन एक्सप्रेशन। रिपीट रिपीट फॉर माय सेक प्लीज। बीवी को कैसे कंट्रोल करते हैं ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। हाँ तुमने कहा बीवी को अच्छे से कंट्रोल करोगे, व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड मैन? कोबरा हाँ बोल ना। तुम्हारी चौड़ी छाती में चूजे की तरह छुपने का मन करता है कोबरा। Hey, what is he saying, man? चूजे की तरह चौड़ी छाती, I don't understand. मतलब बच्चा दिलासा चाहता है आपसे। Oh, you mean consoling? अरे, come man, come bro, and there no, अरे, relax. No. Tell me no, what happened? तुमने उनको छह महीने कैसे झेला? मैं छह दिन में पागल हो गया यार, तुम महान हो। अरे रे, मैं कैसा था? लुंगी खोल के झगड़ा करने वाले किसने पोंगी बजा दी? शेर हुआ करता था, मुझे बिल्ली बना दिया। ठीक है। मुझे मुझे फ्रस्ट्रेशन हो रही है मुझे फ्रस्ट्रेटेड हो रहा हूं मैं। नो फ्रस्ट्रेशन, वेरी डेंजरस। रिलैक्स। मेरे पास टेंपरेरी मेडिसिन है। दो चल दो, यहां मार दो। नो मैन, इट्स नॉट अ ड्रग, इट्स वेंकी आसन। ओके ऑल फ्रस्ट्रेटेड बॉयज लिसन हियर, ऑल वेंकी फैंस, मेगा फैंस, सारे फैंस गेट अप। हेलो ऑडियंस, आप भी हां उठिए, कम ऑन डू दिस, फॉलो मी।
कैसा लगा कोबरा? बढ़िया कोबरा। यही है मस्त रिलीफ यही है। तेरी प्रॉब्लम क्या है? राइस हो चपाती हो कुछ भी बना ले, ये नेशनल इश्यू है क्या? मैं काम करने के बाद शांति से एक पैक पीने पब आया था, जब देखो कॉल करती है। ये क्या, काम वाली नहीं आई तो मैं आकर वहाँ पर बर्तन धोऊं क्या? तू है मेरी जिंदगी, लड़कियों का मन नाजुक क्यों होता है? कुबरा, what is this high voltage frustration? इसे तो साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। He's Albert Narayanda's man, famous psychiatrist. हाँ, इस शहर में क्या हो रहा है कुबरा? Bro, it's an interesting topic. Come on, sit down. देखो कुबरा, लेडीज के माइंडसेट के बारे में मैंने यूट्यूब पर बहुत स्टडी की है। This is आदमी का ब्रेन, ओके? चेस बोर्ड की तरह होता है, बॉक्सेस में, ओके? If suppose issue माँ का हो तो हम माँ के बॉक्स में ही रखते हैं कि माँ ने क्या पूछा, माँ ने क्यों पूछा। फॉर एग्जाम्पल ऑफिस बॉक्स में जाएं तो बॉस ने ये कहा वो कहा, इसी बॉक्स में रहते हैं, ओके? दैट्स ऑल। अगर लेडीज का ब्रेन देखे तो वो भी तो चेस बोर्ड की तरह होगा ना? दैट्स वेयर यू आर मिस्टेकन, क्रेजी ब्रेन। वेट, आई विल टेल यू एग्जैक्टली, इट्स लाइक अ बिग सर्कल। इसके अंदर बॉक्सेस? नो बॉक्सेस नहीं, इट इज ओनली चक्का 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 चक्का। ये तो जाल लग रहा है। जाल की तरह होता है, दैट इज व्हाई इट्स अ वुमन्स ब्रेन। सपोज हम माँ के बारे में बॉक्स में ही बात करते हैं ना, ये लोग माँ से ऑफिस, ऑफिस से घर, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, वहाँ से यहाँ। इतना सब होने के बावजूद तुम जिंदा कैसे बचे हो? तुम्हारी मिसाल तो इन मर्दों को देनी चाहिए। हैंड्स ऑफ यार। कोबरा, क्या मस्त एनालाइज किया कोबरा, पर आज रात को मेरी शादी है यार, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझे शादी नहीं करनी कोबरा। मैं सिर्फ रिव्यूज लिखता हूँ, पॉजिटिव्स, नेगेटिव्स, बॉटम लाइन, लेकिन हमारी प्रॉब्लम के लिए कनिंग ब्रेन चाहिए। हेलो, आप अब तक जिंदा हैं? तुमने तो मरवा ही दिया था। दूध में जहर मिलाया है, जूस में चूहे की दवाई मिलाई है, हम चाहें तो तुम्हें अभी इसी वक्त यही मार सकते हैं, पीते ही दुनिया से गुल हो जाओगे। इसलिए हम दोनों ने एक फैसला किया है कि जहर से नहीं, अपने कहर से तुम्हें जीते जी मार देंगे। एक बीवी के साथ हम दोनों, दो बीवियों के साथ तुम, ओ तुम्हारे हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। इसीलिए 3 दिनों से घर नहीं गया मैं। सिम 1 के 100 कॉल्स, सिम 2 के 200 कॉल्स। यहाँ पर मुझे एक पॉइंट समझ में आ गया कि हर पत्नी को पति की जरूरत है। तभी मुझे दूसरा पॉइंट समझ में आया। वो क्या? 3 महीने घर से गायब। अरे अब मेरा क्या होगा? और कहेगी मेरे पति को क्या हुआ होगा, हे भगवान अब मैं बिना पति के कैसे जीऊंगी, और फिर पत्नियां हमारे पैरों पर गिर जाएंगी। ब्रो, ये आइडिया दमदार लगता है, ये फॉर्मूला हमारे लिए भी काम करेगा। एक बार फ्लाइट में बैठ गए तो हम हंसेंगे और वो रोएंगी, मजा हमारा, टेंशन उनकी। गोलगप्पे हम खाएंगे, मुंह जलेगा उन लोगों का। मेरे ऊपर बैठने से यूरोप नहीं पहुंचोगे, फ्लाइट में बैठना पड़ेगा।